हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कहानियां हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है क्रीमती विक्रमादित्य और सर्वश्रेष्ठ दानवीर। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी कहानी के लिए लाइक करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हम अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बार राजा विक्रमादित्य ने एक राज महाभोज का आयोजन किया। उस भोज में असंख्य विद्वान, ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में इस बात पर चर्चा चली कि संसार में सबसे बड़ा दानवीर कौन है। सभी ने एक स्वर में से विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानवीर घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे, तभी उनकी नजर एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रम ने उससे उसकी चुप्पी का मतलब पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमझ की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगता, और सच बोलने की स्थिति में उसे डर था कि राजा का कोप बाजन बनना पड़ेगा। अब विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टता की बुरी बुरी प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने का कहा। तब उसने कहा कि महाराज, विक्रमादित्य बहुत बड़े दानवीर हैं, यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़ा दानवीर नहीं है। यह सुनते ही सब चौंक गए। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहाँ का राजा कृतिवध्वज जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक अन्य जल भी नहीं ग्रहण करता। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो ब्राह्मण को कोई भी दंड पाने को तैयार है था। राजा ने विशाल भोज कक्ष में निस्बंधता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि कृति ध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्राएं लेने गया। सचमुच की कृति ध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता था। यही कारण है कि भोज के उपस्थिति सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्ट वैधता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे प्रतिशोध देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धारा और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उसे समुद्र पार राजा कृतिध्वज को राज्य में पहुंचा देने का कहा। बेतालों ने पलक झपते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। कृतिध्वज के महल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने अपना परिचय द्वारुतिजनी नगर के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा कृतिध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब कृतिध्वज ने सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उसे यहां नौकरी की मांग की। कृतिध्वज ने जब पूछा कि वह कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा कि जो कोई नहीं कर सकता वह काम वह कर दिखाएंगे। राजा कृतिध्वज को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उससे यह नौकरी मिल गई। वह द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा कृतिध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं कर लेते अन्य जल ग्रहण नहीं करता था। उन्होंने यह भी देखा कि राजा कृतिध्वज रोज शाम में अकेला ही नहीं निकलता, जब वह लौटता है तो उसके साथ हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं से भरी हुई थाली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपाकर कृतिध्वज का पीछा किया। उन्होंने देखा कि राजा कृतिध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके कोलते तेल के कड़ाहे में कूद जाता है। जब तक उसका शरीर जल बुन नहीं जाता है वह कुछ योगिनियों आकार उसका जला भुना शरीर कड़ाह से निकालकर नोच नोच कर खाती है और तृप्त होकर चली जाती है।
योगिनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती है और अमृत की बूंदे डालकर कृति ध्वज को जीवित करती है। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं कृति ध्वज की झोली में डाल देती है और कृति ध्वज खुश होकर महल लौट जाता है। प्रातः काल वही स्वर्ण मुद्राएं वह जोचिकों को दान कर देता है। विक्रमादित्य की समझ में आया कि उसने नित्य 1,00,000 मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया है। अगले दिन राजा कृति ध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहीं नहा धो कर देवी की पूजा की और तेल के कड़ाह में कूद गए। योगिनियों ने जब उसे निकाल जले बुने शरीर को निचोड़ कर खा कर चली गई तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाही तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह किया क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनके बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने की कहा। विक्रम ने इसी अवसर की ताक में थे, उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। ज्यों ही देवी ने यह थैली उन्हें सौंपी चमत्कार हुआ, मंदिर प्रतिमा सब कुछ गायब हो गया। अब दूर तक केवल समुद्र तट ही दिखता था। दूसरे दिन जब कृति ध्वज वहां आए तो वह बहुत नाराज हुआ। उसका वर्षों का 1,00,000 समुद्र मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। अन्य जल त्याग कर अपने कक्ष से असह पड़ा रहा, उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब तक उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रमादित्य उसके पास गए और उन्होंने उसकी दुर्दशा का कारण जानना चाहा। उनसे विक्रमादित्य को कहा जब तक कुछ बताया जाए तो विक्रमादित्य उसकी देवी वाली थाली देते हुए कहा कि रोज कड़ाह में कूदकर उसे प्रणाम गवाते देख वह द्रवित हो गए। इसलिए उसने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा कृति ध्वज को देकर उन्होंने उसे वचन दिया कि रक्षा कर ली। जो देकर उन्होंने कृति ध्वज के दरबार में नौकरी मिली थी उन्होंने सचमुच ही वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता है। राजा कृति ध्वज ने उसका परिचय पाकर उन्होंने सीने से लगाते हुए कहा कि वह सचमुच इस धारा पर सर्वश्रेष्ठ दानवीर हैं, क्योंकि उन्होंने इसकी कठिनाई के बाद प्राप्त कर समुद्र मुद्राएं प्रदान करने वाली थाली ही बेझिझक दान कर डाली जैसे कोई तुच्छ चीज हो। तो ये थी आज की हमारी कहानी। तो हमारी कहानी के लिए लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। तो इसी प्रकार हम मिलते हैं अपनी अगली नई कहानी में। धन्यवाद।